हरियाणा में रोडवेज विभाग में किलोमीटर स्कीम लागू किए जाने के विरोध में रोडवेज यूनियन चक्का जाम कर रही है, लेकिन इससे पहले सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया था। कर्मचारियों का कहना है कि रात 12 बजे से प्रदेश में चक्का जाम होगा। आपको बता दें कि किलोमीटर स्कीम में सरकार ने बसें हायर की हैं, जिसमें ड्राइवर बस मालिक का रहेगा और कंडक्टर रोडवेज का रहेगा। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा है कि इस स्कीम को विजिलेंस ने पहले ही जांच में घोटाला बताया था, लेकिन इसके बावजूद इसे लागू किया गया, जिसका विरोध कर्मचारी कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी, रोडवेज हरियाणा तालमेल कमेटी की बैठक हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बैठक में तालमेल कमेटी की चर्चा जारी है। हरियाणा में हड़ताल को लेकर तालमेल कमेटी में शामिल है 4 संगठन। जेएनयू कैंपस में रविवार की शाम को नकाबधारी गुंडों ने कहर बरपा कर रख दिया। हाथों में डंडे रॉड लेकर घुसे इन बदमाशों ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस हमले में लगभग 28 स्टूडेंट्स और शिक्षक घायल हो गए। हालात को संभालने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़ी। यूनिवर्सिटी प्रशासन के आग्रह पर दिल्ली पुलिस ने कैंपस में प्रवेश किया और थोड़ी देर रात तक फ्लैग मार्च किया। पिटाई से जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष समेत 2 पदाधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। हमले के बाद उन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक इस पूरे हमले में 28 लोग घायल हुए। हिंसा को लेकर वामपंथी छात्र संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। पूरे भारत में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। इसी बीच अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान में नागरिकता कानून का विरोध कर रही पार्टियों को जानने की जरूरत है कि सरकार ने सीएए पड़ोसी देश में प्रताड़ित लोगों को अच्छी जिंदगी देने के लिए लागू करवाया है। जेएनयू में हुई हिंसा पर अनिल विज ने कहा कि जब शिक्षा के मंदिरों में राजनीति होगी तब खराबा हुई खून खराबा होगा। विज ने हिंसा को नेताओं की यूनिवर्सिटी में जाने का नतीजा बताया। जेएनयू हिंसा पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हिंसा किसी भी मामले का हल नहीं हो सकती। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में हिंसा मामले पर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने जेएनयू कैंपस में हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जेएनयू हिंसा मामले पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, रणदीप सुरजेवाला और मायावती समेत कई नेताओं के बयान सामने आए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार रात फौरन घायलों से मिलने के लिए एम्स पहुंची थी। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रियंका गांधी की नजर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर है और इसलिए वो इतनी सक्रिय है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जेएनयू मामले पर पार्टी नेता उदित राज के साथ प्रेसवार्ता की। सुरजेवाला ने कहा कि जेएनयू में जो भी हुआ वो पूर्व नियोजित साजिश थी। सुरजेवाला ने कहा कि इस हिंसा को जेएनयू प्रशासन की तरफ से समर्थन प्राप्त था। हिंसा करने वाले लोग बीजेपी और उसकी शाखा इकाई एबीवीपी से जुड़े थे। जेएनयू में हुई हिंसा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने हिंसा मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि नकाबपोश लोगों को कैंपस में कैसे घुसने दिया गया। हिमाचल के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जेएनयू विवाद पर बयान दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी घटना के पीछे कांग्रेस और उसके समर्थकों का हाथ है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक शिक्षण संस्थानों में गुंडागर्दी मचा रहे हैं और जेएनयू की घटना में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थकों ने गुंडागर्दी की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं और जल्दी ही यह साबित हो जाएगा कि पूरी घटना के पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थकों का हाथ है। वहीं दंगा से फसाद करने के लिए जिम्मेदार है।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि जेएनयू विश्वविद्यालय के छात्राओं के हॉस्टल में रात को घुसकर एबीवीपी के गुंडों द्वारा जो मारपीट की गई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, दिल्ली पुलिस देखती रही। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या भारत के गृहमंत्री पर जवाब दे ही नहीं बनती, गृहमंत्री या तो इन गुंडों पर सख्त कार्रवाई करें या इस्तीफा दें। वहीं गौतम गंभीर ने जेएनयू पर ट्वीट करते हुए लिखा कि विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह की हिंसा पूरी तरह से देश के मूल्यों के खिलाफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या विचारधारा थी और किसका झुकाव किसकी तरफ। गौतम गंभीर ने लिखा कि छात्रों के साथ इस तरह की हिंसा नहीं की जा सकती, इन गुंडों को सख्त सजा दी जानी चाहिए जिन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का साहस किया है। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना में मधुर मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला और देवेंद्र सिंह बबली ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष की तरफ से बुढ़ापा पेंशन पर उठाए जा रहे सवालों पर दुष्यंत ने पूर्व की सरकारों को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर दुष्यंत ने ग्रामीण क्षेत्र से शराब के ठेकों को बाहर निकालने का वादा भी किया। साथ ही विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने पूर्व विधायकों और मंत्रियों पर निशाना साधते हुए सभी को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह बबली ने हलके के विकास के लिए एक मांग पत्र भी मुख्यमंत्री के सामने पढ़कर सुनाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के जलंधर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनजागरण अभियान की शुरुआत। पीएम मनोहर लाल ने जलंधर के दीनदयाल उपाध्याय नगर में बसे शरणार्थियों के 30 से 40 परिवारों को उनके घर में मिलकर उनको पंपलेट देने का जागरूक किया। वह इस मौके पर शहर के लोगों ने सीएम मनोहर लाल का भव्य स्वागत किया और नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत उन्हें नागरिकता देने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। जनवरी से दिल्ली में शुरू की गई पर्यावरण रथ यात्रा को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिवानी पहुंचने पर इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है और इसके लिए सरकार और जनता को साथ आना होगा। जेपी दलाल ने जल संरक्षण को लेकर भी कहा कि पानी को बढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के काफी जिलों में वाटर लेवल नीचे है, इसमें सुधार की जरूरत है। पलवल के पांच भवन में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पहुंचे जहां उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक की। इस दौरान बैठक में जिले के तीनों विधायकों के साथ सभी अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने लोगों से मुलाकात की। उनसे मिलने के लिए किसान भी पहुंचे गन्ना किसान और पंचायत भवन में उन्होंने घेरा लिया। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। दरअसल किसान शुगर मिल न चलने से परेशान है जिसके चलते किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कमान संभाली है और यहां पहुंचकर जनता को सीएए के बारे में जानकारी दी। राज्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए के बारे में जनता को जागरूक कर रही है। हरियाणा में आज से सीएम मनोहर लाल ने इस अभियान की शुरुआत की है। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौटाला ने टोहाना में नागरिकता कानून के बारे में जनता को जागरूक किया। वहीं यमुनानगर में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने जनता को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी दी। सोनीपत में कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश को लूटने के लिए यह गठबंधन बनाया गया है और मलाई वाले महकमों के लिए यह बयानबाजी हो रही है। बलराज कुंडू और रामकुमार गौतम के बयानों का हवाला देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दोनों पार्टियों में अंतर्कलह है, अनिल विज सबसे सीनियर है, उनके आरोप ठीक है। बीजेपी के जन जागरण अभियान पर कटाक्ष करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, हम ये नहीं होने देंगे, इस कानून से समाज में भाईचारा बिगड़ रहा है। इनेलो सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने दूसरों के बहकावे में आकर बड़ी गलती की है, दुष्यंत अगर मूर्खता न करते तो इनेलो की सरकार बनने पर सीएम बनते।
ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जिस तरह से हालात अब बन रहे हैं, मध्यावधि चुनाव होंगे और इनेलो की सरकार बनेगी। ओम प्रकाश चौटाला शनिवार को दादरी में जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मीडिया से बात करने के लिए पहुंचे थे। चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए हैं जो देश को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। इस दौरान एक शिविर का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विशिष्ट अतिथि देवेंद्र गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वो दी गई जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को नई दिशा देने के काम करते हैं। ओवरलोड और अवैध माइनिंग को लेकर अब रादौर से कांग्रेस विधायक कृष्णलाल सैनी इसका ठीकरा अधिकारियों के सिर फोड़ रहे हैं। सैनी ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही जिले में यह अवैध माइनिंग चल रही है। साथ ही उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि जब गृह मंत्री आते हैं सब कुछ थम जाता है तो पीछे क्यों। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक पुनहना अनाज मंडी में आयोजित की गई। जीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी मोहसिन चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पहुंचे और उनका जीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। मोहसिन खान ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को संगठनात्मक तौर पर मजबूती प्रदान करना है और सदस्यता अभियान में तेजी लाना है। हमीरपुर में बीजेपी सुजानपुर मंडल के फेड़ला बूथ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उपस्थित लोगों से सीए के ऊपर लोगों को उन्होंने जानकारी दी। इस मौके पर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लोगों को बताया गया कि इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल 1947 में लाया गया था जिसमें 2019 में संशोधन करके जो अल्पसंख्यक लोग अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। सोमवार सुबह नेशनल हाईवे 907 पर नाहन के पास एक हिमाचल पथ परिवहन की बस ट्रक से टकरा गई। इस काला अम्ब से नाहन ये बस आ रही थी उस वक्त गौ सदन के पास एक तेज रफ्तार आ रही ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी अस्पताल पहुंचे और घायलों के हालचाल की जानकारी ली, साथ ही डॉक्टर्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल चेयरमैन अभिषेक राणा ने नागरिकता संशोधन बिल और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अभिषेक राणा ने कहा कि सीएए और एनआरसी के मुद्दों के जरिए बीजेपी देशवासियों को असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है और इसी के तहत कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर उन्हें जागरूक करेगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने पाकिस्तान में ननकाना साहब गुरुद्वारे पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से इस कृत्य के लिए माफी मांगने की बात कही। वहीं देश में नागरिकता कानून पर मचे बवाल पर बाबा रामदेव ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया और साथ ही इस कानून का जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर निशाना साधा। सीएए का विरोध करने वालों को लेकर बाबा रामदेव ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के आर्मी प्रमुख पर किए हमले को कायराना भी बताया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे जहां उन्होंने अवधूत मंडल आश्रम में दिवंगत संत हंस प्रकाश महाराज के साथ पुण्यतिथि समारोह में शिरकत कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत तमाम साधु संत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि संन्यास और आश्रम परंपरा भारत को अलग पहचान दिलाती है। भारत की सभ्यता इन्हीं आश्रमों से विकसित हुई है, इसलिए गंगा तट पर वो इस परंपरा को नमन करने हरिद्वार पहुंचे। उत्तराखंड विधानसभा में 7 जनवरी को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया जिसे लेकर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई।
इस बैठक में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों के सभी नेताओं ने शिरकत की। सर्वदलीय बैठक में एक दिन की विशेष सत्र में क्या कुछ काम होगा, इस पर भी चर्चा की गई। हालांकि जो विशेष सत्र बुलाया गया वो आरक्षण बिल को विधानसभा में पारित करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि ये बिल केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। सीएए के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन बंद होने का नाम नहीं ले रहे, तो ऐसे में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में सीएए का कानून विरोध करते हुए एनआरसी अपने राज्य में लागू न होने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं सीएए की जानकारी के लिए बीजेपी ने अब जागरूकता अभियान शुरू किया है। विपक्ष ने बीजेपी द्वारा चलाए गए अभियान पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही है। बाजपुर में 16 करोड़ की लागत से बनने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। इसे यहां होने वाले कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालय के बनने से जनजाति थारू समाज के लोगों को फायदा होगा। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि जनजाति समाज पिछड़ा होने के कारण उनके उत्थान के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई जिससे समाज मुख्य धारा से जुड़ सके। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने सीएए का जसपुर के स्वागत मंडप में ब्यूटी एकेडमी में एक टैलेंट शो का आयोजन किया गया, जो लोगों को शो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, जिसमें नन्हे बन्ने बच्चे और बड़ों ने अलग अलग ग्रुप में अपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान के अलावा सामाजिक संस्थाओं के सम्मानित लोग भी मौजूद रहे। यहां पर सभी सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया। बदलते मौसम ने लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इस मौसम में खासकर छोटे बच्चों के साथ ही दमा और हार्ट के मरीजों को ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। रादौर सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर की माने तो बदलते मौसम में छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम और डायरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, तो वहीं दमा और हार्ट के मरीजों के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई। कुरुक्षेत्र के गांधी नगर में रविवार देर रात बदमाशों ने तेज धार हथियार से दो भाइयों पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरे को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोहाना के नागरिक अस्पताल में शॉर्ट्स के कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाने की कोशिश की।